बॉलीवुड की दुनिया चकाचौंध की दुनिया है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो एक आम इंसान को हमेशा से एक्साइटिंग लगता है। इसीलिए जब कोई बॉलीवुड स्टार किसी बात को कहता है तो आम इंसान उसे सच मानकर उसके हिसाब से चलना शुरू कर देता है। लेकिन जब बॉलीवुड की पोल खुलती है, जब बॉलीवुड में सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक एक्टर या एक्ट्रेस का लव अफेयर एक से हुआ, फिर दूसरे से हुआ, फिर तीसरे से हुआ, शादी हुई लेकिन उसके बाद भी शादीशुदा जिंदगी नहायत ही खोखली है, तब लोगों को बॉलीवुड के खोखलेपन का पता चलता है। हमारे इस चैनल के जरिए हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी खबरें, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं, जिनके जरिए न सिर्फ हम आपको बॉलीवुड की खोखला जिंदगी दिखाते हैं बल्कि आपको उन वीडियोस के जरिए एंटरटेन भी करते हैं। आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। क्या है वो इन्फॉर्मेशन, आइए जानते हैं। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान उम्र में 50 का आंकड़ा पूरा करने के बावजूद भी आज भी बॉलीवुड में एक एलिजिबल बैचलर हैं, जिनसे न सिर्फ एक आम लड़की बल्कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी शादी करना चाहती हैं। और बॉलीवुड ही क्यों, हॉलीवुड की एक्ट्रेस भी सलमान खान से शादी करना चाहती हैं। लेकिन सलमान खान ही एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत सारी लड़कियों और एक्ट्रेसेस का दिल तोड़ चुके हैं। अभी तक सलमान खान ने शादी नहीं करी है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार सलमान खान शादी करेंगे कब। लेकिन इस बात का जवाब शायद अब सलमान खान के पास भी नहीं है, क्योंकि जब कभी भी सलमान खान से उनकी शादी के बारे में कोई भी सवाल किया जाता है तो सलमान खान तुरंत ही उस सवाल का जवाब मजाक में टाल देते हैं या फिर कोई ऐसा जवाब दे डालते हैं जो डेफिनेटली उनके फैंस और फॉलोअर्स के गले से नीचे नहीं उतरता। हर कोई सलमान से ये जानना चाहता है कि आखिरकार वो शादी करेंगे तो करेंगे कब। खैर, ये सवाल तो अब आपके नाती पोतों तक के लिए भी एक सवाल ही बना रहे, क्योंकि जिस तरह से सलमान खान शादी न करने की ठान चुके हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि एटलीस्ट इस जन्म में तो सलमान खान की शादी होने से रही। लेकिन ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थीं जो इस जन्म में सलमान खान को अपना दिल दे बैठी, लेकिन सलमान खान ने उन्हें फाइनली कह दिया नो। इस वीडियो में हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने सलमान खान से बेइंतहा मोहब्बत की और सलमान खान से शादी करने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन सलमान खान ने उनके प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। सलमान खान को बेइंतहा मोहब्बत करने वाली और उनसे शादी रचाने वाली एक्ट्रेसेस में जिस एक्ट्रेस का नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है वो है एक्ट्रेस संगीता बिजलानी। एक्ट्रेस संगीता बिजलानी सलमान खान के प्यार में पागल थीं। दोनों ने काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया। कहा जाता है कि उनकी शादी की तारीख 27 मार्च 1994 थी, लेकिन कुछ कारणों से इस शादी को रोक दिया गया। ऐसी अफवाहें हैं कि सलमान ने उन्हें धोखा दिया था और वो उस समय सोमी अली को डेट कर रहे थे। नंबर दो, ऐश्वर्या राय बच्चन। सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिश्तों ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते करते एक दूसरे के करीब आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और ऐश्वर्या दोनों कुछ महीनों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद ऐश्वर्या का कुछ और एक्टर्स से भी लव अफेयर रहा, लेकिन फाइनली उन्होंने शादी करी अभिषेक बच्चन से। नंबर तीन, कैटरीना कैफ। सलमान खान कैटरीना कैफ को पहली ही मुलाकात में अपना दिल दे बैठे थे। सलमान खान ने एक बार उन्हें रणबीर कपूर के साथ लंबे समय तक चैट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर चार, सोमी अली। संगीता बिजलानी से ब्रेकअप के बाद सलमान खान ने सोमी अली को डेट किया था। सोमी ने सलमान खान को शादी के लिए अप्रोच भी किया था, लेकिन सलमान खान उस समय घर बसाने को तैयार नहीं थे। सोमी अली ने सलमान खान पर शादी करने के लिए जोर दिया, लेकिन जब सलमान खान इसके लिए तैयार नहीं हुए तो फाइनली सोमी अली ने उनसे ब्रेकअप करने में ही अपनी भलाई समझी। सलमान खान से ब्रेकअप करने के बाद सोमी अली ने न सिर्फ सलमान खान बल्कि बॉलीवुड को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब वो US में रहकर एक NGO चलाती हैं। नंबर पाँच, जरीन खान। जरीन खान कैटरीना कैफ की हमशक्ल थीं।
सलमान खान को जब अपनी जिंदगी में कैटरीना कैफ की कमी खलने लगी तो उन्हें तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जो कैटरीना कैफ की हमशक्ल हो और जो उनकी जिंदगी में कैटरीना कैफ की कमी को दूर कर सके। लिहाजा सलमान खान ने आखिरकार जरीन खान को ढूंढ ही लिया जो थी कैटरीना कैफ की हमशक्ल। सलमान खान ने जरीन खान के लिए बांद्रा में एक 3 BHK अपार्टमेंट भी खरीदा। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए देखा गया। हालांकि जरीन खान के साथ भी वक्त बिताते हुए सलमान खान को उनके साथ शादी करने में कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई और जब जरीन खान ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो सलमान खान ने उनके इस प्रपोजल को बड़ी ही बेदर्दी से ठुकरा दिया। नंबर 6, एली अवराम। एक्ट्रेस एली अवराम के सलमान को डेट करने की अफवाहें थी लेकिन उनके अलावा ये सच्चाई कोई नहीं जानता कि सलमान खान एली को डेट कर रहे थे या नहीं। लेकिन जिस दौरान ये खबरें उड़ रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं उसी दौरान ये खबरें भी थी कि एली सलमान खान से शादी करना चाहती हैं। नंबर 7, क्लाउडिया सिसला। क्लाउडिया सिसला ने 2009 में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 3 में भाग लिया था लेकिन इसके बाद से ही सलमान खान और क्लाउडिया के किस्से सोशल मीडिया पर छाने लगे। हालांकि इन्होंने बाद में ये क्लियर किया कि ये दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी क्या वो सब अफवाह थी, क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। नंबर 8, डेजी शाह। सलमान खान ने डेजी शाह को अपनी फिल्म बॉडीगार्ड ऑफर की थी लेकिन उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सलमान ने फिल्म जय हो में डेजी को मुख्य भूमिका देने का फैसला किया। फिर अफवाहें चली कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन फाइनली सलमान खान की जोड़ी डेजी शाह से फिल्म जय हो तक की ही बनी रही। इसके बाद न तो इन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया और न ही इसके बाद इनकी शादी की खबरें कहीं मीडिया में आईं। नंबर 9, यूलिया वंतूर। यूलिया वंतूर ने सलमान खान से साल 2010 में डबलिन में मुलाकात की थी। अफवाहें हैं कि सलमान खान और यूलिया काफी दिनों तक एक दूसरे को डेट करते रहे। ऐसी अफवाहें भी थी कि यूलिया अपना करियर छोड़कर सलमान से शादी करने के लिए तैयार थीं। मगर सलमान खान ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। एक समय ऐसा भी था जब यूलिया और सलमान खान की शादी को लोग कन्फर्म करने लगे थे लेकिन उसके बाद सलमान खान का रिश्ता कुछ और एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा जिसके बाद यूलिया और सलमान खान से जुड़ी खबरें गायब होने लगी और लोग बहुत आसानी से यूलिया को भूल गए। सिर्फ इन्हीं एक्ट्रेस का नाम नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई और एक्ट्रेसेस का नाम भी सलमान खान के साथ जुड़ता है लेकिन ये वो एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने सलमान खान को बहुत पसंद किया और उनके मन में ये इच्छा भी थी कि वो एक न एक दिन सलमान खान की दुल्हनिया बने लेकिन सलमान खान ने इनकी सभी इच्छाओं पर पानी फेर दिया और अभी तक भी बने हुए हैं बॉलीवुड के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। आपको क्या लगता है, क्या सलमान खान इस जन्म में शादी करेंगे? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले एंटरटेनिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल एक और नए वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके जरिए हमने बॉलीवुड से जुड़े हुए एक एक फैक्ट को बिल्कुल सीधे तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा और अगर इन केस आपको नहीं भी पसंद आया तो आप कमेंट में ज़रूर हमें लिखकर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा या फिर आप क्या इम्प्रूवमेंट हमसे चाहते हैं। इन रिटर्न हम आपसे ये चाहते हैं कि आप रोज हमारे जो वीडियोस हम पब्लिश करते हैं उनको आप ज़रूर देखिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेल का आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो या हमारे रोज के जो पैकेजेस हैं आपको पसंद आ रहे हो तो जरूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर दीजिए क्योंकि उसी के जरिए हम मोटिवेट होते हैं एक से एक बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही,
अगले वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।